एक सक्सेस बिजनेस वुमेन हूँ, कहीं कंपनियों की डायरेक्टर हूँ, कहीं कंपनियों की चेयरमैन भी हूँ, और ये सारा काम करते करते मैं सोशल वर्क भी करती हूँ। मेरे कहीं एनजीओ है जिसमें सबसे पहला प्राधान्य मैं देती हूँ सुशिक्षित बेरोजगारों पे, जिनको रोजगार मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सब काम जो मैंने किया है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने मुझे सराहा है, पूरी दुनिया में मैं जाती रहती हूँ, जैसे लंदन है, अमेरिका है, कनाडा है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। पेरिस में 2014 में एक प्रोग्राम था, और उस प्रोग्राम में जाने के बाद लंदन गई, क्योंकि लंदन में भी एक प्रोग्राम था। मेरी एक आदत रही है कि जब भी मैं लंदन गई हूँ, वहाँ मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का घर देखना पसंद किया है। जब मैं वहाँ पर गई देखने के लिए, तो मैंने ये देखा कि वहाँ पर फॉर सेल का बड़ा सा बोर्ड ऐसे लगा हुआ है, तो हमें बड़ा दुख हुआ कि ये घर अगर सेल हो जाएगा तो यकीनन हमारे सारे बहुजन समाज को बहुत ही बुरा लगेगा। क्योंकि आज भी अभी देखिए, उस बाबा साहब के घर पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम का बोर्ड लगा हुआ है। तो मेरे साथ कुछ आईएएस ऑफिसर थे, और उन्होंने कहा कि मैडम, अगर हम सरकार को कहते हैं कि इस घर को खरीद लिया जाए, तो यकीनन सरकार चाहे तो खरीद सकती है। तो हमने कहा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इमिजिएटली हम इंडिया आ गए और हमने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया, गवर्नमेंट के पास जाना, पेपर वर्क करना, सारा कुछ। लेकिन ये करते करते 6 महीने बीत गए, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा था। इसी बीच इलेक्शन आ गए, दूसरी सरकार आ गई, और जो मेरे साथ लोग काम कर रहे थे, उन्होंने अपने होप्स छोड़ दिए कि अभी कुछ नहीं होना है, अब क्या होगा, नई सरकार आई है, इसको स्टैंड होने के लिए करीबन 1-1.5 साल निकल जाएगा, और तब तक तो घर नीलाव हो जाएगा, ये घर हमें नहीं मिलने वाला है। तो बहुत दुखी हो गए सब लोग। तो मैं भारतीय महिला बैंक की डायरेक्टर थी, और इत्तेफाकन देखिए कि 31 दिसंबर 2014 में मेरी बोर्ड मीटिंग लगी हुई थी, लेकिन मैंने अपने होप्स नहीं छोड़े थे। मैंने सोचा, नई सरकार है तो क्या, कोशिश करते रहना चाहिए। और मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कंटिन्यू फॉलोअप किया, और इत्तेफाक देखिए कि मुझे 31 दिसंबर 2014 3:30 बजे की अपॉइंटमेंट मिली, और मैं जाकर मोदी जी से मिली। इस देश के प्राइम मिनिस्टर को मिलके मैंने बताया कि ये जो घर है, ये घर बिकना नहीं चाहिए, मतलब ये जो विद्या का घर है, तो ये अगर बिक जाएगा तो यकीनन हमें बहुत दुख होगा साहब, तो प्लीज़ आप इस घर को ख़रीद लें। क्योंकि हम लोग जो है, कोई भी संस्था इतना पैसा नहीं दे सकती है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि साहब ने विद इन सेकंड मुझे पूछा कि अच्छा ठीक है, कितने पैसे होते हैं उस घर के। तो वहाँ पाउंड में लिखा था, तो हमने जो भी हिसाब किया, हमने बताया कि साहब 40 करोड़ रुपया समथिंग है। अच्छा ठीक है, पीनट है सरकार के लिए, हमने वो घर ले लिया। इतने जल्दी किसी बात को मान लेना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सिंपल सी बात थी कि ये घर है, एक ऐसे स्टूडेंट ने ये घर जहाँ वो रहता था, और वहाँ से आके इस भारत देश को उन्होंने संविधान दिया, जिस संविधान के ऊपर पूरा देश चल रहा है। उसके बाद 2015 में उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के को लेने के लिए कह दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जितने प्रोसेस थे वो पूरे किए, और घर हम लोगों ने, मतलब हमारी सरकार ने ले लिया। इसी तरह से करते हुए पूरी दुनिया से मुझे सराहा गया, पूरी दुनिया में मुझे पुरस्कार दिए गए, यहाँ तक कि 2013 में मुझे पद्मश्री से नवाजा गया। जिस वक्त मुझे पद्मश्री अवार्ड मिला, और वो अवार्ड जब मैं लेने के लिए स्टेज पे जा रही थी, तो मुझे अपने बचपन याद आ गया। मैं एक पुलिस हवलदार की बेटी हूँ, और मेरे पिताजी एक सब इंस्पेक्टर के सामने भी हाथ बांधे खड़े रहते, क्योंकि छोटे थे तो बचपन में पुलिस स्टेशन के आंगन में ही हम लोग खेला करते, तो ये देखते थे हम। और उस वक्त मुझे ऐसे लगा जैसे मैं ज़मीन पे नहीं, कोई पर लग गए हो मुझे, मैं आसमान को छू रही हूँ। इतनी खुशी मुझे उस वक्त हुई, क्योंकि एक राष्ट्रपति से जब मैं पद्मश्री का अवार्ड ले रही हूँ, तो उस वक्त यकीन मानिए कि अल्फाज नहीं है मेरे पास, जो मुझे इतनी खुशी हुई उस वक्त। अब यहाँ तक का जो मेरा सफ़र था, ये बड़ा ही अच्छा है, आपने सबने सुना है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे किन हालातों से गुजरना पड़ा, कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा,
वो मैं आपको बताना चाहूँगी। मैं पुलिस हवलदार की बेटी तो हूँ, लेकिन मेरे पिता हम दलित हैं। जाति की वजह से जो तकलीफें हैं, मुझे किस तरह से उसको सहना पड़ा और जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी पूरी उल्टी पलटी हो गई है। जब स्कूल में थी तब भी ये बताया गया, हालांकि मैं जब स्कूल में थी तो मैं एक होशियार विद्यार्थी के जानी जाती थी, पर स्पोर्ट्स में मुझे हिस्सा लेना है नहीं लिया जाता, मुझे गैदरिंग में डांस वगैरह करना है वहाँ पर भी मुझे नहीं लिया गया। स्कूल में इस तरह से हुआ। गांव में हम अपने दादाजी से मिलने जाते थे, सैटरडे संडे छुट्टी होती थी स्कूल को, तो मेरे दादाजी किसी ज़मींदार के यहाँ काम करते थे, मजदूर थे, तो दादाजी के साथ मैं भी उनके घर चली गई। तो मैंने देखा दादाजी एक कोने में बैठे हैं, उनको एक टूटे हुए कप में चाय दी जाती है। मुझे प्यास लगी थी, मैंने कहा मुझे भी पानी चाहिए, तो मुझे यूँ हाथ करने पड़े और तब कहीं जाके ऊपर से पानी डाला गया। तो ये जो भेदभाव है, ये जातीयवाद है, ये जो मैंने बचपन से देखा था, इसने वाकई मेरी ज़िंदगी को काफ़ी कुछ बदल दिया। मेरी शादी बचपन में कर दी गई, क्योंकि समाज की वो व्यवस्था ये थी कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, उनकी शादी जितने जल्दी कर दो उतना अच्छा है। मेरे बाबा बोले नहीं, कम से कम उसको 10वीं तक पढ़ने देते हैं। मेरे मामा जी कहने लगे कि पढ़ के करना क्या है, चूल्हा चौके के सिवा तो और कुछ करना ही नहीं है, तो फिर क्यों पढ़ाना। और दूसरी बात यह है कि लड़कियों को घर में रखने का मतलब यह है कि जहर की पूड़ियों को घर में रखना। तो मेरे बाबा भी उनके दबाव में आ गए और मेरी शादी उम्र के 12 साल में हो गई। मैं 7वीं में पढ़ रही थी, मेरी पढ़ाई छुड़ाई। मैं काफ़ी रोई, काफ़ी चिल्लाई, लेकिन कौन सुनता है। शादी हो गई, शादी के बाद मुंबई आ गई। मुंबई में मेरे चाचा थे, मैं उनके पास गई। दादर में एक बापट मार्ग पे झोपड़पट्टी हुआ करती थी उस वक्त, तो उस झोपड़पट्टी में मैं चाचा जी के पास गई, कहा कि कोई छोटा मोटा मैं काम कर लूँगी, मुझे यहाँ पर काम दिलवा दीजिएगा। तो मैं एक होजरी कंपनी में काम के लिए गई। एक्चुअली मुझे सिलाई आती थी, लेकिन डर इतना दिल दिमाग में था कि मुझसे वो मशीन चल नहीं रही थी, तो मुझे हेल्पर का काम करना पड़ा सिर्फ 2 रुपये रोज़ से। 2 रुपये रोज़ और 60 रुपये महीने से मैंने काम स्टार्ट किया। और कुछ दिन के बाद मेरे बाबा के सर्विस का प्रॉब्लम हो गया। नौकरी जाने के बाद मैं बाबा के पास में पुलिस क्वार्टर छोड़ने पड़े। हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं था हमारे बाबा के पास में, कहाँ जाए। मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ आ जाइए मुंबई में, हम सब मिलके काम करेंगे और अपना गुजारा यहाँ पे हो जाएगा। तो मैंने कल्याण, हमारे यहाँ मुंबई से कल्याण जो सबर्बन में है, वहाँ पर 400 रुपये डिपॉजिट और 40 रुपये भाड़े से रूम लिया, अपने सारे फैमिली को बुलाया और इसी तरह से ज़िंदगी जा रही थी। लेकिन उसी बीच हुआ ये कि मेरी बहन बहुत बीमार हो गई और बदनसीबी देखिए कि सिर्फ 2000 रुपये के लिए उसका कोई इलाज नहीं कर सकी और मेरी बहन मर गई। लेकिन वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हादसा था, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरे अपनों को इस तरह से खोना मैं नहीं चाहती थी। तब मुझे ऐसे लगा कि आज मेरी बहन चली गई, कल दूसरी बहन है, भाई है, माँ है, बाबा है, तो पैसों का होना कितना ज़रूरी है। उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि पैसा ही कमाना चाहिए, ये सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए उतना सा पैसा आएगा, हम एक टाइम खाना खाएंगे एक टाइम नहीं खाएंगे, ये इसी तरह से ज़िंदगी नहीं चलेगी, इसके लिए पैसा कमाना ज़रूरी है। और मैंने फिर सोचा कि पैसा कमाना, लेकिन कहाँ और कैसे। फिर मैंने देखा कि गवर्नमेंट की कुछ स्कीम है जिसमें हम उसका फ़ायदा लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और फिर मैंने 50,000 का लोन लिया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस स्टार्ट करते करते मैं वहीं पे नहीं रुकी, मैंने एक संगठना भी बनाई और उस संगठना के द्वारा बेरोजगारों को इकट्ठा करके उनको भी लोन दिलाकर, क्योंकि गवर्नमेंट सभी को नौकरी नहीं दे सकती थी उस ज़माने में, तो इसके लिए उनको बैंक से लोन लेकर उनके कदमों पर खड़ा करना, ये इस तरह से मेरा काम चल रहा था। मेरा बिजनेस भी स्टार्ट हो चुका था। एक कंपनी थी जो 25 साल से बंद पड़ी हुई थी, उसके वर्कर्स मेरे पास में आए। मेरे पास आके मुझे कहा कि इस कंपनी को मैडम आप टेक ओवर कर लीजिए, हमारी 2 कंपनी और भी थी जो लिक्विडेशन में जा चुकी है, और ये कंपनी है जिसको हम जाने नहीं देना चाहते, तो आप इसे बचा लीजिए प्लीज़। ये कंपनी ऐसी थी, ये हमारे देश की पहली ऐसी कंपनी है जिस कंपनी को सुप्रीम कोर्ट ने वर्कर्स को मालिक बना दिया था। 87 की बात है, जब वर्कर मालिक हो गया तो 97 तक वर्करों ने किसी तरह से फैक्ट्री को चलाया,
लेकिन चलाना ना चलाने के बराबर था, क्योंकि उसका जो मैनेजमेंट था, जो यूनियन थी, उन्हें फैक्ट्री चलाना या किसी वर्कर के लिए काम करना मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ये नहीं था। वो तो बस देख रहे थे कि अपना कहाँ कितना भला होता है, क्योंकि इसीलिए वो फैक्ट्री चल नहीं पाई, क्योंकि फैक्ट्री में बहुत सारा रॉ मटेरियल पड़ा हुआ था, बहुत कुछ था, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं। और ये फैक्ट्री जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने वर्कर्स को चलाने के लिए दी, बहुत सारी बैंकों ने आगे आकर उन लोगों को पैसे दिए, क्योंकि वर्कर मालिक बना है, फैक्ट्री चलाएगा कैसे अगर उसके पास पैसा नहीं होगा तो। इसलिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने की कोशिश की गई। यहाँ तक कि उस वक्त शरद पवार हमारे चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इन लोगों को 70 लाख रुपया दे दिया कि आप लोग अच्छे से फैक्ट्री चलाओ। लेकिन वर्कर वर्कर है, मैनेजमेंट में कोई भी नहीं है, तो 97 तक इन लोगों ने किसी तरह से चलाई। और 97 में जब टाटा ने बिजली बंद कर दी, बीएमसी ने पानी बंद कर दिया, तो मजबूरन इन लोगों को फैक्ट्री बंद है करके घोषित करना पड़ा। आईडीबीआई जो ऑपरेटिंग एजेंसी थी, इन्होंने कोर्ट को बता दिया कि ये फेलियर हो गया है वर्कर, अभी न्यू प्रमोटर को किसी को बुलाना चाहिए। वही वर्कर फिर मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि मैडम प्लीज़ इस कंपनी को बचा लीजिए, हम नहीं चाहते कि इस कंपनी हमारे हाथों से जाए। वर्करों ने मुझे बताया कि वो भूखे पैसे मर रहे हैं, कहीं दिनों से उनके घर में चूल्हे नहीं जले हैं, क्योंकि पैसे ही नहीं हैं, कैसे चूल्हे जलेंगे। तो इस तरह की उनकी बातें जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि नहीं, इनके लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए। और मैंने कहा कि ठीक है, मुझे सोचने का 2-3 दिन वक्त दो। मैंने 2-3 दिन वक्त सिर्फ इसलिए लिया कि जो मेरे स्नेही थे, मैं उनके पास गई, मैंने उनसे बताया कि इस कंपनी को मैं टेक ओवर करना चाहती हूँ, क्या मैंने करना चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल पागलपन है ये, आत्महत्या करने जैसी बात है ये, क्योंकि इस पर 116 करोड़ रुपए का कर्जा है, 140 लिटिगेशन की केसेस है और 2 बड़ी यूनियन है, तो तुम कैसे इस फैक्ट्री को, तुम इस कंपनी को तुम टेक ओवर करने की बात करती हो। मैंने कहा नहीं, मुझे वर्करों के लिए काम करना है, इतना भी हो गया तो मैंने बहुत कुछ पा लिया, ऐसे मैं समझूंगी। और मैंने हाँ कह दी कि ठीक है, मैं आ जाती हूँ, मैं देखती हूँ कंपनी के लिए। तो जिस वक्त मैं कंपनी में गई उन वर्करों के साथ में, तो वहाँ पे बोर्ड था, उस बोर्ड में सारे बैंक, जितने ये 4-5 बैंकों ने पैसे दिए रखे थे, जिनकी लायबिलिटी थी, वो सारे डायरेक्टर थे। कोर्ट के अंडर कंपनी थी इसलिए कोर्ट का डायरेक्टर, गवर्नमेंट ने पैसे दिए हुए थे गवर्नमेंट का डायरेक्टर, ये सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि मैडम अगर आपको इस कंपनी को टेक ओवर करना है तो इसके डे टू डे के काम जो है ये आपको आज और अभी से करना है, क्योंकि एज ए प्रेसिडेंट हम आपको नियुक्त करते हैं और आपको इस काम को शुरू करना है। तो 2000 की ये बात है, 2000 में मैं वहाँ पर गई थी। 2000 से लेके 2006 तक काफ़ी सारे बीएफआर कोर्ट में हमारे हेयरिंग होते रहे, और कोई जो जिनकी लायबिलिटी थी, कोई हमको सपोर्ट करता था, कोई नहीं करता था, इस तरह से 6 महीने। तो मैंने जब डीपली इसकी स्टडी की तो मुझे ये लगा कि ये जो 116 करोड़ का कर्जा है तो ये क्यों है। तो इसके पीछे पता ये चला कि पेनल्टी और इंटरेस्ट, जिसकी वजह से ये कर्जा इतना सारा हो गया है, तो इसे कैसे कम किया जाए, हम लोग उसके ऊपर सोचने लगे। तो बैंकों का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा था, तो किसी ने कहा कि बैंक के चेयरमैन के पास जाते हैं। मैंने कहा नहीं, हम फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाते हैं, क्योंकि वही एक अथॉरिटी है जो वो कर सकते हैं। और मैं उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर के पास गई, जिनके अंडर बैंकिंग था, और मैंने उनको बताया कि ये इस तरह की कंपनी मतलब लिक्विडेशन में जा रही है और इसको बचाना है, वर्कर के खातिर हमें बचाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वर्कर को चलाने के लिए ये दिया था, तो इसका बचाना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप मुझे मदद कीजिए सिर्फ पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ़ करने की, और अगर ये करते हैं तो इन्हें इनका प्रिंसिपल मिल जाता है। सिर्फ पेनल्टी और इंटरेस्ट माफ़ नहीं हुआ, प्रिंसिपल से भी 25% मुझे माफ़ हो गया। तो जो बोझ था 116 करोड़ रुपए का, वो आधे से कम हो गया और मुझे काम करने का मौका मिला। उसके बाद वर्कर्स को पैसे देना था, 21 मार्च 2006 में हमारी स्कीम पास हो गई, कोर्ट ने हमें कंपनी दे दी, मुझे चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद फिर ड्यूज़ देने की बारी आ गई, तो ड्यूज़ देने हैं तो कोर्ट ने बोला कि 3 साल में वर्कर्स को देना है, वो भी हफ्तों से देना है, 50,000, 75,000, 1 लाख, इस तरह से टप्पे से देना है। बैंकों को 7 साल में देना है, इस तरह से सारे कंडीशंस थे। लेकिन वर्कर आए और उन्होंने कहा कि मैडम हम तो वैसे ही भूखे मर रहे हैं, अगर 3 साल रहेंगे तो शायद हम रहेंगे भी नहीं पैसे लेने के लिए।
तो हमें जल्दी से जल्दी पैसा चाहिए और हम किसी टप्पे वप्पे से नहीं लेना चाहते, हमें एक साथ देंगे। अगर हम टप्पे से लेंगे तो ये तो खाने पीने में यूं ही उड़ जाएंगे, तो आप हमें एक साथ पैसे दे दीजिएगा तो हम किसी काम में लगा सकें। तो सारे वर्करों के अपने अपने प्रॉब्लम्स थे, किसी की बीवी के हार्ट का ऑपरेशन है, किसी की बच्ची की शादी करना है, किसी के बच्चों को ऑटो रिक्शा लेके देना है, किसी को अपना घर बनाना है, तो हर किसी का अपना प्रॉब्लम था। पैसा अगर इकट्ठा उनके हाथों में जाएगा तभी तो वो कुछ कर पाएंगे। मैंने सोचा कि ठीक है, इनकी बात भी अपनी जगह पे ठीक है, मैं आई थी इनके लिए तो फिर मुझे काम भी इसी तरह से करना चाहिए। और मैंने 3 साल में देने के लिए कोर्ट ने कहा, लेकिन मैंने 3 महीने के अंदर वो पैसे वर्कर्स को देने के लिए मैंने दिया। मैंने एक छोटा फंक्शन किया, उसमें मैंने उस वक्त के होम मिनिस्टर आरआर पाटिल जी थे, और 8.5 करोड़ रुपए का चेक मैंने होम मिनिस्टर के हाथ में दिया। उन्होंने फिर वर्कर के जो हेड थे उनके हाथों में दिया ताकि उनके अकाउंट में वो चेक चला जाए, और मैंने वो 3 महीने में सबको पैसे दिए। वो पैसे मिलने के बाद उन्होंने मुझे माँ भवानी का दर्जा दिया। वो जब भी मुझे मिलने आते तो कहते कि आप हमारी माँ भवानी हो। किसी ने कहा हमारे बच्चों की शादी हुई, किसी ने कहा मेरी औरत के हार्ट का ऑपरेशन हुआ और आज वो ठीक है। तो इस तरह की दुआएं जो लोगों की मुझे मिलती गई, तो यकीनन ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा। मैं 1 बनी, एक्चुअली मैं 0 थी, 0 भी एक्चुअली नहीं थी, इस तरह से बोला जाए तो भी ठीक है, लेकिन आज वो 0 की कीमत ऐसी है कि किसी भी आंकड़े पर रख दो उसकी कीमत खुद ब खुद बढ़ जाती है। लेकिन उसके बाद एक 2 का जो मेरे ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व रहा है, वो 2 ऐसे कि 2 रुपए रोज से मैंने ज़िंदगी शुरू की थी, 2000 रुपए नहीं थे जिसकी वजह से मेरी बहन को मैं बचा नहीं सकी। आज मेरी कंपनी के मुंबई जैसे शहर में 2 रोड है, कुर्ला कमानी, रामजी भाई कमानी, और आज मेरा कैपिटल 2000 करोड़ का है। तो क्या आपके पास में भी ऐसा कोई आंकड़ा है? थैंक यू वेरी मच।